हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, अ टू व्हीलर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक टू व्हीलर है जो 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। आगे हमसे कहा गया है, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो ये 10 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, यानी कि 1 लीटर में तो ये 55.3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है, तो हमें बताना है कि 10 लीटर में ये टू व्हीलर कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो हमने यहां पर लिखा स्टूडेंट्स, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू 55.3 किलोमीटर, यानी कि 1 लीटर पेट्रोल में ये टू व्हीलर 55.3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। तो अगर 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर होता है, तो 10 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर होगा। तो यहां हमने लिखा डिस्टेंस कवर्ड इन 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, यानी 10 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर होगा, इज इक्वल टू 55.3 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि 1 लीटर में जितना डिस्टेंस कवर होता है हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब भी हम डेसिमल वाले नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डेसिमल एक डिजिट राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो ये 553 तो यहाँ पर हमने एज इट इज लिख दिया, ये डेसिमल पहले यहाँ पर था, तो ये एक डिजिट राइट की तरफ यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि लास्ट में। और लास्ट में हम डेसिमल लिखें या ना लिखें फर्क नहीं पड़ता है। तो हमें क्या आंसर मिला है, 553 किलोमीटर। तो अब हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि अगर 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर होता है, तो 10 लीटर पेट्रोल में 553 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर होगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।